हेलो फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी आईपी वर्जन 4 में कितनी क्लासेस होती हैं, कैसे सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं। अगर मैं देखूं ध्यान से तो आपको जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क बिट सेम होने चाहिए, होस्ट बिट डिफरेंट होने चाहिए, तो वो सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैंने आपको एक आई पी दी 192.168.1.9, दूसरी आई पी है आपकी 192.168.2.10। ये दोनों आई पीज कम्युनिकेट करेंगी या नहीं करेंगी, ये अगर आपको डिसाइड करना है। तो कम्युनिकेशन रूल मैंने आपको क्या बताया था कि दो सिस्टम केवल उस कंडीशन में कम्युनिकेट करते हैं जब उनके नेटवर्क बिट सेम होते हैं और होस्ट बिट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेट की आई पी देखिए क्या आ रही है, 192 आपको क्या बताएगा कि ये किस नेटवर्क की, किस क्लास की आईपी और उसका स्ट्रक्चर क्या है। 192 क्योंकि मैंने आपको एक नोट दिया था कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट टोटल आईपी रेंज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, यानी फर्स्ट ऑक्टेट में आपको देखना है कि कौन सी रेंज है, फर्स्ट ऑक्टेट में कौन सी रेंज आ रही है। ये देखने के लिए मैंने आपको जो क्लासेस बताई थी, अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो ये क्लास की क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में डिवाइडेड है। तो क्लास ए की रेंज क्या थी, 0 से लेकर के 127 के बीच हो। क्लास बी की रेंज क्या थी, 128 से लेकर के 191 के बीच हो। क्लास सी की रेंज बताती है 192 से लेकर के 223 के बीच हो। तो अब हमारी जो अभी आईपी है वो क्या है, 192 है। यहाँ पर मैंने आपको 192 दिया, तो 192 ये कहता है कि ये क्लास सी की आईपी है। क्लास सी का स्ट्रक्चर क्या है, 3 नेटवर्क और 3 होस्ट, 3 नेटवर्क और 1 होस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 192 जो आपको दिखा रहा है ये बता रहा है कि ये 192.168.1 और 192.168.2 ये दोनों ये क्लास सी की आईपी है, क्लास सी की आईपी है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, अगर मैं इसमें नेटवर्क बिट की बात करूं तो नेटवर्क बिट आपके हुए दोनों में, पहले वाले में आप पहली आईपी में आपकी आईपी नेटवर्क बिट हुए 192.168.1 और दूसरे में हुए 192.168.2, क्योंकि क्लास सी का स्ट्रक्चर होता है 3 नेटवर्क और 1 होस्ट। उस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे 3 नेटवर्क और 1 होस्ट में, तो आगे के 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं। तो नेटवर्क बिट हो गया 192.168.1 और दूसरे आईपी में हो गया 192.168.2, डिफरेंट होस्ट हो गया, जबकि कम्युनिकेशन रूल ये कहता है कि दोनों में नेटवर्क बिट सेम होने चाहिए तभी वो कम्युनिकेट करती है। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये दोनों आईपीस क्या होंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यहां पर आपको देखने के लिए कि ये आईपीस कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए आप क्या किया, क्लासेस देखी, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा और फिर कम्युनिकेशन रूल के हिसाब से आपने कह दिया कि ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। लेकिन सिस्टम कैसे डिफाइन करता है कि कौन सी सिस्टम, कौन सी आईपीस कम्युनिकेट कर सकती हैं और कौन सी आईपीस कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं? सिस्टम को बताता है सबनेट मास्क। आपने ध्यान से देखा होगा जब भी आप किसी सिस्टम में आईपी डालते हैं तो आईपी के साथ सबनेट मास्क जरूर डिफाइन करते हैं। तो सबनेट मास्क वो वैल्यू है जो सिस्टम को ये डिफाइन कराता है कि ये आईपीस कम्युनिकेट करेंगी या नहीं करेंगी, यानी कम्युनिकेशन रूल जो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं और उसके बिहाफ पर बता रहे हैं, सिस्टम क्या करेगा, सबनेट मास्क से वेरीफाई करेगा कि इसमें कितने नेटवर्क बिट हैं और कितने होस्ट बिट हैं। तो एक स्टैंडर्ड सबनेट मास्क डिफाइन है हर आईपी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, जो क्लास मैंने आपको बताई क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसके बेसिस पर हर का एक स्टैंडर्ड सबनेट मास्क वेरीफाई किया गया है। तो स्टैंडर्ड सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क इज द वैल्यू, सबनेट मास्क इज द वैल्यू
सबनेट मास्क इज द वैल्यू तो सबनेट मास्क इज द वैल्यू विच डिफाइन नेटवर्क बिट इन आईपी एड्रेस सबनेट मास्क वो वैल्यू है जो ये बताता है कि आपके आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्क बिट यूज हो रहे हैं। अगर हम देखें तो क्लास ए का स्ट्रक्चर क्या है? क्लास ए का स्ट्रक्चर है एक नेटवर्क और तीन होस्ट। याद रखिएगा सबनेट मास्क में जितने नेटवर्क बिट होते हैं, सबनेट मास्क के अंदर जितने नेटवर्क बिट होते हैं, नेटवर्क बिट डिफाइन बाई वन एंड होस्ट बिट डिफाइन बाई जीरो। तो अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें तो नेटवर्क, एक नेटवर्क और तीन होस्ट क्या डिफाइन कर रहा है आपका? ये डिफाइन कर रहा है आपका कि पहले ऑक्टेट के सारे बिट नेटवर्क के हैं और एट टाइम वन की वैल्यू अभी मैंने आपको रेंज में कैलकुलेट करके बताई थी कि ये वैल्यूज जो होती हैं ये बाइनरी में आपकी हैं, 1111 एट टाइम है। फिर होस्ट वैल्यूज आपकी क्या है? 0000, तीनों की होस्ट वैल्यू 00 है लेकिन एट टाइम वन की वैल्यू होती है 255। अभी लास्ट रेंज मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाई थी कि एक रेंज में अगर उसकी लास्ट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आती है वो 255 आती है। तो 0 से 255 मैक्सिमम रेंज है और ये 255 किस तरह से आई थी? जब इसके आपने सारे बिट 1 1 कर दिए थे तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी कैलकुलेट हुई थी वो 255 थी। तो यहां पर भी जब आप सबनेट मास्क कैलकुलेट कर रहे हैं सारी वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब ये 255 है और होस्ट बिट हमारे क्या है? 0। तो क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया 255.0.0.0। इसी तरह अगर मैं क्लास बी की बात करती हूं तो क्लास बी का स्ट्रक्चर है दो नेटवर्क और दो होस्ट। दो नेटवर्क ऑक्टेट है इसका मतलब इसका सबनेट मास्क क्या हुआ? 2x255 and 2x0। तो क्लास बी का सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0। इसी तरह अगर मैं क्लास सी की बात करती हूं तो क्लास सी का स्ट्रक्चर है तीन नेटवर्क ऑक्टेट और एक होस्ट ऑक्टेट। इस हिसाब से क्लास सी का स्ट्रक्चर हो गया 255.255.255.0। यहां पर जो मैंने आपको बताया क्लास ए का सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्लास बी का सबनेट मास्क 255.0.0, 255.255.0.0 और क्लास सी का स्ट्रक्चर हो गया 255.255.255.0। तो ये आपका सबनेट मास्क है, स्टैंडर्ड सबनेट मास्क जो आपकी आईपी के साथ यूज होता है। अगर आप किसी भी सिस्टम में आईपी डालते हैं तो उसके साथ आपका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाती हूं। देखिए इस पे एक आईपी उठाते हैं, एक क्लास ए की आईपी उठाते हैं। मान लीजिए मैंने डाला 10.0.0.1 और इस पे केवल टैब की प्रेस करिए, आपका अपने आप 255.0.0.0 आ गया क्योंकि स्टैंडर्ड सबनेट मास्क क्लास ए का यही है। अगर मैं क्लास बी के एक आईपी उठाती हूँ 172.16.0.5 और फिर से टैब की करते हैं तो अब ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है।
इसलिए उसका सबनेट मास्क उठा लिया 255.255.0.0। इसी तरह अगर मैं क्लास सी की एक आईपी उठा लेती हूँ 192.168.1.9 और फिर से टैब की प्रेस किया तो तीन बार 255 आ रहा है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यही है। तो इस तरह से आपके सिस्टम के अंदर सबनेट मास्क डिफाइन करता है कि कितने बिट नेटवर्क के हैं और कितने बिट होस्ट के हैं।